दतिया में भाजपा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। देखिए इस रिपोर्ट में। स्वतंत्रता दिवस पर दतिया में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा उल्टा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते भाजपा ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की और एसपी डी कल्याण चक्रवर्ती को ज्ञापन सौंपकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस द्वारा जो 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया गया है, उसमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है, उल्टा ध्वजारोहण उन्होंने किया है। ये लोग सत्ता के नशे में इतने मधुस हैं कि इन्हें ध्यान ही नहीं रहता, अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं और इन्हें इतना ही ध्यान नहीं रहे, इतना ही ख्याल नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज को कैसा फहराया जाता है। उसी के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने हमें आश्वासन भी दिया है जो नियम पूर्वक जो कानून में जो होगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। कुल मिलाकर भाजपा ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, दतिया।